हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब जेंडर एप्लीकेशन से कोई भी फ़ोटो यानी इमेज कैसे भेज सकते हो, उसे कैसे शेयर कर सकते हो किसी और को। आइए जानते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों फ़ोन में जेंडर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं। तो सबसे पहले आपको जिस फ़ोन से भेजनी है फ़ोटो उसमें ओपन करना है। तो हम इस फ़ोन में से इसमें भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे एक ग्रीन ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर टच करना है। यहाँ पर आपको सेंड ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर टच करना है। अगर आपसे कुछ टर्न ऑफ या टर्न ऑन करना कहता है तो कर दीजिए। इसके बाद आपको जिस फ़ोन में रिसीव करना है तो आपको उस पर टच करना है। यहाँ पर रिसीव करने का ऑप्शन आएगा नीचे, इस पर टच करिए। गॉट इट पर टच करिए। यहाँ पर स्कैन टू कनेक्ट कहेगा तो स्कैन टू कनेक्ट पर क्लिक करिए। सेटअप पे करने का कहिए, अलाउ करिए। और यहाँ पे आपको इस कैमरे से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर देना है। हम कर देते हैं यहाँ पे, तो ये स्कैन हो चुका है और ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद आपको ऊपर की तरफ लाइन दिख जाएगी, एप्लीकेशन इमेजेस म्यूजिक वीडियोस फोल्डर। तो आपको यहाँ पे फोटोज में जाना है। यहाँ पे हम याली 3 फोटो भेजना चाहते हैं, तो हम इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और नीचे आपको सेंड ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर टच करना है। उसके बाद ये फाइल यहाँ पे जा रही है, एक फाइल जा चुकी है, दो बची है। तो यहाँ पे सारी फाइल हो चुकी है, यहाँ पे हमारे जो फाइल है आ चुकी है। आप फोल्डर में जाके चेक कर सकते हो, डायरेक्ट फ़ोन स्टोर में जाओगे, जेंडर एप्लीकेशन में जाओगे, इमेजेस में जाओगे, तो यहाँ पे फाइल आ चुकी है। और ऐसे आप भी कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक करें,